साथियों, एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं डकोसला पत्र कहना चाहिए। साथियों, सर्दी गर्मी बारिश कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चौकीदार पहरा देते हुए ये भी कहता है जागते रहो। और इसलिए आपका ये चौकीदार भी आपको जागते रहो कह रहा है। इनके भ्रष्ट वायदों से आपको आगाह कर रहा है। आपको एक उदाहरण मैं दूंगा। 2004 के अपने डकोसला पत्र में ये महामिलावटी लोगों ने, ये कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने कहा था कि 2009 तक, ये बराबर उनका लिखा हुआ है देख लेना, ये 2004 में कहा था, आज मैं 2019 में आपसे बात कर रहा हूं, बीच में 15 साल बीत गए। 2004 में उन्होंने लिखित में कहा था कि 2009 तक देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का वादा उन्होंने किया था। इसके लिए बकायदा एक प्रोग्राम भी घोषित किया था, लेकिन 2014 में जब मैं आया तब तक देश के 18,000 गांव अंधेरे में थे और करोड़ों परिवार उन्होंने बिजली नहीं देखी थी। साल 2009 में फिर इनका एक और ढकोसला पत्र आया। पहले के वादे का क्या हुआ कोई जवाब नहीं दिया और उनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने भी कभी उनको सवाल नहीं पूछा। फिर 2014 का चुनाव आया और फिर एक वादा दोबारा दोहराया कि शहरों में 100% बिजली देंगे और गांवों में बिजली 90% तक पहुंचाएंगे। चार में कहते थे सबको पहुंचाएंगे, नौ में कहने लगे कुछ छूट जाएंगे और न चार में किया न नौ में किया न 14 तक किया। अरे भाई, 2004 में जो वादा किया था उसके बारे में तो जरा बता देते। साथियों, इनके झूठे वादों की स्थिति ये थी कि अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के 1800 से अधिक गांव और देश के 3 करोड़ से अधिक परिवार 2014 में अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे और देश के अंदर 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी। आपके इस चौकीदार ने 1000 दिन के भीतर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा और 1000 दिन के भीतर वादा पूरा करके दिखाया। भाई, इतना ही नहीं, देश के 2.5 करोड़ से अधिक घरों को भी इस चौकीदार की सरकार रोशन कर चुकी है, अंधेरा मिटा चुकी है।